दोस्तों आज हम बात करेंगे इंदस रिवर के बारे में, जिसे सिंधु नदी भी कहा जाता है। इंदस नदी तिब्बत में मानसरोवर लेक के पास भोकरचू ग्लेशियर से उत्पन्न होती है, जिसके बाद ये थेमचोक में भारत की यूनियन टेरिटरी लद्दाख में एंटर करती है। यहाँ से ये उत्तर पश्चिम दिशा में जस्कर और लद्दाख माउंटेन रेंज के बीचों बीच बहते हुए नंगा पर्वत के पास जाकर साउथ वेस्ट टर्न लेती है और पाकिस्तान में एंटर करती है। सिंधु नदी पाकिस्तान की नेशनल रिवर है और इसे पाकिस्तान की लाइफलाइन भी कहा जाता है। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज भारत में इंदस की मुख्य सहायक नदियां हैं, जो आपस में मिलकर पहले पंजनद बनाती हैं और फिर मिथानकोट में इंदस में जाकर मिलती हैं। 3180 किलोमीटर की कुल लंबाई तय करने के बाद इंदस कराची के पास पहुंचकर अरेबियन सी में मिलती है। इंदस वाटर ट्रीटी के तहत इंदस, झेलम और चेनाब पर पाकिस्तान का और रावी, ब्यास और सतलुज पर भारत का कंट्रोल है, जिसका मतलब है कि इंदस रिवर सिस्टम का 80% पानी पाकिस्तान को मिलता है और भारत केवल 20% पानी ही यूज़ कर सकता है।